किया है गरम गरम गाजर का हलवा, काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे मिठाइयाँ हैं, हम पैक भी करा रहे हैं थोड़ा सा। हमने बहुत बहुत बार रखा है। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हीटर ऑन है और गर्मियों में या जाड़ों में इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं रह सकता। जब जाड़े होते हैं तो लगता है यार गर्मी की फील आए, जब गर्मी होती लगता है जाड़ों की फील आए। तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर मतलब 10, 11, 8, 7 जा रहा है उत्तराखंड में। जो मैदानी क्षेत्र है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तो 3-4 माइनस में भी जा रहा होगा। तो गाइस ठंड बहुत है, इसलिए अपना ध्यान रखें। आई होप आपने व्लॉग देखा होगा। तो थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं हो रही है, मैं फील अच्छा नहीं कर रही हूँ। हेडेक मुझे काफ़ी हो रहा है एक दो दिन से। तो मैंने बाम वगैरह जो है वो यूज़ करा है, मेडिसिन भी ली है, बट पेन किलर मैं नहीं अभी प्रेफर कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स पर थोड़ी मूवी ज़्यादा देख ली थी, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो अभी लंच वगैरह कर लिया है, चलिए फिर ज्वाइन करती हूँ थोड़ी देर में। सो ऐसी मस्त वाली धूप हो और साथ में हो मूंगफली का साथ और थोड़ा थोड़ा काम भी। और एडी यहाँ पर है और एडी और आकांक्षा खा रहे हैं मूंगफली, मैं भी खा रही हूँ। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो ये गुड और आफ्टरनून है, सुबह तक बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि धूप आएगी, और अब देखिए क्या मस्त धूप आई है। ऐसे धूप में मूँगफली खाएँ और थोड़ा थोड़ा काम भी करें और छत में ज़रूर बैठें, जैसे कि वो बैठा है कबूतर इतना प्यारा सा। एडी कर रहा है बहुत सारी शैतानियाँ और हम लोग परेशान हो जाते हैं एडी से। एडी वहाँ पे ना रेत है, रेत खा रहा है, रेत खाने में पड़ा रेत खा रहा है, दबा के पता नहीं क्या मिल रहा है रेत खा के। लो आ गए नीचे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और धूप भी अब जा रही है, तो अब ज़्यादा छत पे बैठने का फ़ायदा नहीं है। और इधर आकांक्षा लेट चुकी है, एज़ यूजल आकांक्षा और एडी सो चुके हैं, मतलब लेट चुके हैं, पर मुझे थोड़ा काम करना है तो मैं काम करूँगी। वैसे मुझे दिन में सोना पसंद नहीं है यार, पता है मेरा फ्रंट कैमरा ख़राब हो गया है, ऐसा ना रिफ्लेक्शन सा आ रहा है यहाँ से देखो, मतलब अगर हीटर है ना ये, तो यहाँ से वाइट सा आ रहा है, पर कुछ लाइट नहीं दिखनी चाहिए तब सही आ रहा है। आज हम लोग डिनर बना रहे हैं, मतलब आकांक्षा हम लोग नहीं है ना, क्या है हम बना रहे हैं आलू गाजर की सब्जी और साथ में आकांक्षा क्या है सरप्राइज, मक्का की रोटी। स्टाइल। तो कहीं आप लोगों ने सुना है मक्के की रोटी विद आलू गाजर के साग? तो ये है यूपी वालों की पहचान, जे दे आलू दे आलू दे आलू दे आलू दे आलू। और ये क्यों खड़ा वालों मैं इसके लिए ले कितना दो तीन खा गया यार, आलू कौन खाएगा, वो भी कच्चा उबला हुआ खाएगा, ठीक है ये नहीं खाएगा। चल चलो वहां से, आकांक्षा बनाएगी मस्त, मैं भी उसको असिस्ट करने वाली हूँ। और यहाँ चल रहा है महाभारत, असिस्टेंट शेफ मैं हूँ बाय द वे, मैंने अभी तक ऑफिस का काम निपटाया सारा, अगर पता हो तो आपको, ठीक है निपटाया कि नहीं निपटाया? कल के लिए हम लोग भिगा रहे हैं काला चना, जो कि है मेरा फेवरेट, और बहुत दिनों के बाद काला चना बन रहा है मेरे ख्याल से 8-10 दिन के बाद, क्या एक महीना हो गया। आकांक्षा मुझे लुक दे रही है, जब सनी जब यहाँ हमने खाया था। एडी तू कहाँ गया? देखो एडी बार बार अंदर चले जा रहा है और हम कह रहे इधर चलो, अभी वहाँ पे हीटर ऑन है तो वहाँ बैठ जाओ, ठंड बहुत हो रही है। आप लोग यहाँ क्या टेम्परेचर चल रहा है, क्या हो रहा है बताइए। और आप लोग ठंड में मूँगफली खा रहे हैं या नहीं? हमने तो बहुत मूँगफली खाई, मतलब मुझे लिटरली मूँगफली से एलर्जी हुआ करती थी, अब मुझे लग रहा है एलर्जी मेरी गायब हो गई है ना, हमारे दिमाग में होती है। क्या एडी हटो, एडी हटो बेटा, सकते मैंने क्या जुगाड़ करा है, यहाँ पे हीटर है और इधर ये वाला एक पाइप मतलब डोरमैट बिछा दिया, बड़ा वाला क्या बोलते हैं इसको, मैट बिछा दिया, ये छोटा वाला डोरमैट। तो हम क्या करेंगे, हम यही बैठे खाना भी खाएंगे, इधर खाना भी बन रहा है, सही रहेगा। ऐसे कभी कभी एक्सपेरिमेंट कर देने चाहिए लाइफ में। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ,
वाली फील आ रही है, जैसे गांव घरों में नहीं होता है चूल्हे के पास बैठे खाना खाते हैं, तो आप लोग कोई खाते हैं ऐसे बैठे खाना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार मैं अपनी फ्रेंड के वहाँ गई थी ना, तो वहाँ हमने खाया था ऐसे, फ्रेंड का नाम नहीं लूँगी है ना आकांक्षा, अरे समझ जाओ। यहाँ पे हीटर ऑन है, वहाँ पे खाना बन रहा है और यहाँ पे आईडी भी है। सही है यार, एक कमरे में आ गए हम तो, बड़ा सा हॉल की पराठे के लिए, पराठे नहीं मक्के की रोटी के लिए सन रहा है आटा, गूंथ रहा है। आटे को ऐसे ऐसे करती ना आकांक्षा, करके दिखाना एक बार से, पट 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 करती है, तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोसेस। और इसमें हम बेलन का यूज़ नहीं करते हैं, इसको हाथ से ही बनाया जाएगा। तो ये हमारी परफेक्ट मक्का की रोटी तैयार है, बिल्कुल शेप में। क्या बात है, क्या बात है, ये दूसरी बनने को रेडी। यहाँ जनाब को देखिए, बॉल भी है और हीटर है, तब सोया आराम से। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो आप टिप देना चाहेंगे आटा कैसे गूंदे ताकि यार गोल बने, इसके कोई टिप? वो बनाते बनाते ही आती है और वो क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा मैंने आटा मिलाया है इसमें, गेहूं का मैंने अपनी दादी से सीखी, एक नंबर। ओके, दादी जी बनाती थी और आटा बार बार कूदना पड़ता है, सॉफ्ट है ना ये। देखिए जुगाड़ टीवी का, एक टीवी लगाएंगे यार किचन में, मस्त रोटी फूल गई है तो। वाह वाह वाह, रेडी गर्मा गर्म मक्की की रोटी, गाजर आलू का साग मतलब सब्जी और अचार। लेट्स हैव दिस यमी।